नमस्कार, मैं भाग्यश्री ढोंगे वीकेबी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। बाहुबली और आरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लेखक और एसएस राजमौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद ने आरएसएस पर फिल्म और वेब सीरीज लिखने की घोषणा की है, तो मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज आया है। इस मैसेज में कहा गया है कि मुंबई को उड़ाने की पूरी तैयारी की है। वहीं जन्माष्टमी के अवसर पर कल पूरे मुंबई शहर में भाजपा ने 370 दही हांडी उत्सव आयोजित किए थे। यह पिछले औसतन आंकड़े 150-170 से काफ़ी ज़्यादा है। तो उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने तो जून में ही एक बेहद मजबूत दही हांडी तोड़ दिया था। इस बीच मुंबई में दही हांडी समारोह के दौरान कम से कम 24 गोविंदा घायल हो गए हैं। इनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 19 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर न होता, पाकिस्तान में विलय हो जाता और फिर लाखों हिंदू मारे जाते। यह बात बाहुबली और आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखक और एसएस राजमौली के पिता विजयेंद्र प्रसाद ने कही। दरअसल हाल ही में विजयेंद्र प्रसाद विजयवाड़ा में आयोजित आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राम माधव की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान विजयेंद्र प्रसाद ने आरआरएस पर फिल्म और वेब सीरीज लिखने की घोषणा। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले तक मैं आरएसएस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। मुझे लगता था कि आरएसएस ने गांधी को मार डाला, लेकिन जब मुझे आरएसएस पर फिल्म लिखने को कहा गया तब मैं नागपुर गया और मोहन भागवत से मिला। मैं वहाँ एक दिन रुका और पहली बार समझा कि आरएसएस क्या है। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक इतने बड़े संगठन के बारे में नहीं जानता था। हकीकत यही है कि अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, यह पाकिस्तान में विलय हो जाता और पाकिस्तान की वजह से लाखों हिंदू मारे जाते। विजयेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं आप सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। मैं जल्द ही काम शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आरएसएस पर एक फिल्म और एक वेब सीरीज बना रहा हूँ। मायानगरी मुंबई को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रची जा रही है। इस संबंध में मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा मैसेज आया है। इस मैसेज में कहा गया है कि मुंबई को उड़ाने की पूरी तैयारी है, कभी भी हमला किया जा सकता है। धमकी देने वाले ने कहा है कि यह हमला 26/11 हमले जैसा होगा। इस मैसेज के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। कहा गया है कि मैसेज भेजने वाले की पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि यह मैसेज पाकिस्तान के नंबर से आया है। मैसेज में कहा गया है कि मेरी जांच करोगे तो लोकेशन पाकिस्तान दिखेगा, लेकिन धमाका मुंबई में होगा। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। भारत में इस हमले को 6 लोग अंजाम देंगे। इसमें अजमल कसाब के बारे में भी कुछ बातें की गई है। साथ ही उदयपुर के कन्हैयालाल मर्डर का भी जिक्र है, जिसमें सरतन से जुदा वाली बात तक कही गई है। इनके अलावा सिद्धू मूसेवाला और अमेरिका में हुए हमले का भी जिक्र किया गया है। गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलीबार की थी, जिसमें 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोगों की मौत हो गई थी। अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 2012 में फांसी दे दी गई थी। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अलग ही सियासी नजारा देखने को मिला। एक और जहां उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कई दही हांडी कार्यक्रमों में शामिल है, वही पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना कैंप बगावत के बाद विधायकों की कमी महसूस। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने दही हांडी खेल को और गोविंदाओं को स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे मुंबई शहर में भाजपा ने 370 दही हांडी उत्सव आयोजित किए थे। यह पिछले औसतन आंकड़े 150-170 से काफी ज्यादा है। जश्न से जुड़े हर पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फडणवीस की तस्वीरें शामिल थी। इनमें सबसे ज्यादा खास वर्ली स्थिति जंबूरी मैदान का आयोजन रहा, जहां भाजपा की नई मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कार्यक्रम आयोजित कराया। यह उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे का क्षेत्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा शेलार को ही आदित्य के सामने प्रोजेक्ट कर रही है। इस कार्यक्रम में फडणवीस भी पहुंचे और दही हांडी फोड़ी। शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले ठाणे में भी शिंदे कैंप के सदस्यों ने बड़े स्तर पर दही हांडी आयोजित। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी अलर्ट हुई और नवी मुंबई में दही हांडी कार्यक्रमों में जुटी रही। खबर है कि भाजपा की नज़र 31 अगस्त से शुरू हो रहे 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा कि हमने तो जून में ही एक बेहद मजबूत दाईहंडी को तोड़ दिया था। उनका इशारा अपनी उस बगावत की तरफ था जिसके बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। शिंदे करीब 50 विधायकों को साथ सरकार से अलग हो गए थे। नाका पर आयोजित एक दहीहंडी समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि आप लोग अभी दहीहंडी तोड़ रहे हैं, हम लोगों ने 1.5 महीने पहले ही ऐसा कर दिया था। शिंदे सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारी दहीहंडी बहुत ऊंची और मजबूत थी, हमने करीब 50 मजबूत स्तंभ तैयार करने पड़े, हालांकि हम सफल रहे। इसके बाद भाजपा ने न सिर्फ शिंदे गुट को समर्थन देकर नई सरकार बनाई थी बल्कि एकनाथ शिंदे को सीएम पद भी दिया था। गौरतलब है कि दहीहंडी महाराष्ट्र का एक मशहूर त्यौहार है। इस दौरान मिट्टी के बर्तनों में दही या दूध भरकर काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है। इसके बाद गोविंदा का भेष बनाए लोग ह्यूमन पिरामिड बनाकर इसे तोड़ते हैं। मुंबई और ठाणे में इस कार्यक्रम को राजनीतिक सरपरस्ती भी हासिल है। मुंबई के शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर दहीहंडी समारोह के दौरान कम से कम 24 गोविंदा घायल हो गए। इनमें से 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 19 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस उत्सव के दौरान दही से भरी मटकी को ऊंचाई पर लटकाया जाता है और मानव पिरामिड बनाकर गोविंदा उसे तोड़ते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में इस खेल का आयोजन किया जाता है। खेल के दौरान प्रतिभागियों के गिरने और घायल होने की घटनाएं हर साल देखने को मिलती है। बृहन्मुंबई नगर पालिका के अधिकारियों ने कहा गया है कि 2:00-3:00 तक मुंबई में दहीहंडी खेल में शामिल 24 सदस्य घायल हो गए, उनमें से 19 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 5 गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर है। घायलों में से 9 का इलाज KEM अस्पताल में, 5 का नायर अस्पताल में और 4 का पोदार अस्पताल में उपचार शुरू हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को ही विधानसभा में घोषणा की उनकी सरकार ने लोकप्रिय उत्सव दहीहंडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। सरकार के एक आदेश में सभी सरकारी निगम और जिला परिषद अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को इन आयोजनों के दौरान घायल हुए प्रतिभागियों को मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्देश दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी आयोग फैसला दे सकता है। तो माता वैष्णो देवी भवन पर भगदड़ जैसी घटना रोकने और भीड़ नियंत्रण करने के लिए अत्याधुनिक स्काईवॉक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वही शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जाँच एजेंसी ने मदरसा समेत कई ठिकानों पर छापा मारा है। आतंकवाद के लिए हवाला राशि मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। इस बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय उमड़ी भारी भीड़ के दबाव के कारण बड़ा हादसा हो गया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता है। खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कभी भी आयोग फैसला दे सकता है। यदि प्रतिकूल फैसला आता है तो सोरेन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच बीजेपी ने दावा किया है कि सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना को सूबे की बागडोर सौंपी जा सकती है। वही शनिवार को सीएम ने सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें महासंगठन दल के विधायकों को एकजुट रहने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड में भाभी की ताजापोशी कराई जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य का कहना है कि सीएम ने सूखे को लेकर बैठक बुलाई है। तो राज्यसभा सदस्य माउवा माझी ने कहा कि यह बैठक विधायक को एकजुट रखने को लेकर हो रही है। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि सभी विधायक एकजुट है, निलंबित 3 विधायक भी हमारे खेमे में है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बीजेपी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। माता वैष्णो देवी भवन पर भगदड़ जैसी घटना रोकने और भीड़ नियंत्रित करने के लिए अत्याधुनिक स्काईवॉक का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवागमन सुगम होगा। इसका डिजाइन दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट के विद्यार्थियों ने तैयार किया है। 10 करोड़ की लागत वाले स्काईवॉक का निर्माण दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को यह निर्माण कार्य सौंपा है। इस अत्याधुनिक स्काईवॉक फ्लाईओवर का डिजाइन ऐसा है कि इस पर चलने वाले श्रद्धालुओं
को माँ वैष्णो देवी भवन पर हर पल भक्ति भाव का एहसास होता रहेगा। यही नहीं, यह पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा उपकरणों से भी लैस होगा। करीब 200 मीटर लंबे स्काई वॉक की ऊंचाई यात्रा मार्ग से 20 फुट की ऊंचाई पर होगी। यह स्काई वॉक माँ वैष्णो देवी भवन पर एक्सरे पॉइंट क्षेत्र से आरंभ होकर माँ वैष्णो देवी भवन पर लेफ्ट पॉइंट क्षेत्र के पास समाप्त होगा। बता दें कि बीते वर्ष 31 दिसंबर की मध्यरात्रि को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चलते यहां भगदड़ मच गई थी और 14 श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी थी। इसी घटना से सबक लेते हुए अब यह अत्याधुनिक फ्लाईओवर स्काईवॉक का निर्माण किया जा रहा है। शराब नीति के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सीबीआई छापे के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि जब से नई अबाकारी नीति लागू की गई है, कांग्रेस उसी दिन से शराब घोटाले की जांच की मांग कर रही थी। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की छापेमारी पहले तेज होना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का ही प्रमाण है। चौधरी ने कहा कि सीबीआई को शराब घोटाले में पंजाब के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा और आपकी पंजाब सरकार के कनेक्शन की भी जांच करनी चाहिए। यह भी जांच करनी चाहिए कि दिल्ली के 18 विधानसभा क्षेत्र में व नॉन कन्फॉर्मिंग क्षेत्रों में शराब की दुकानें कैसे खोली गई। छात्रों को युवाओं के जीवन को बर्बाद करने के लिए पीने की उम्र को कम क्यों किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि आपके सभी नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, निष्पक्ष जांच की जाए तो आपके कई और मंत्री व विधायक जेल में दिखाई देंगे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी ने मदरसा समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। आतंकवाद के लिए हवाला राशि मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। एसआईए की टीम सुबह 6 बजे से कार्रवाई में जुटी है। बस स्टैंड पर दो दिन पहले पकड़े गए मॉड्यूल के सदस्य के खुलासे पर यह कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड से पकड़ा गया व्यक्ति मदरसा संचालक का ड्राइवर बताया जा रहा है। बता दें कि जम्मू बस स्टैंड से गत गुरुवार को गिरफ्तार लश्कर सहयोगी अब्दुल हमीद को हवाला का पैसा देने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू और दिल्ली पुलिस ने मिलकर दिल्ली के नक्शबंदर टर्कमैन गेट स्थित रहने वाले मोहम्मद यासीन को दबोचा है। यासीन के कब्जे से 7 लाख रुपए की हवाला राशि बरामद की गई है। यासीन कपड़ा व्यापारी है। दिल्ली के मीना बाजार में बैठ यासीन दुकान की आड़ में लश्कर के लिए हवाला का पैसा बाहर से लेकर जम्मू कश्मीर में पहुंचाता था। दिल्ली और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और अलब्रत को फंडिंग करने वाले यासीन को गिरफ्तार किया है। यासीन ने खुलासा किया है कि हवाला का पैसा दक्षिण अफ्रीका के रास्ते भारत के सूरत और मुंबई में भेजा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के समय उमड़ी भारी भीड़ के दबाव के कारण बड़ा हादसा हो गया। भीड़ के कारण हुए हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त मंदिर परिसर में जिले के आला अफसर भी मौजूद थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में रात 1:55 बजे मंगला आरती होती है। यह आयोजन वर्ष में सिर्फ एक बार ही होता है। मंगला आरती के दर्शन के लिए कल रात मंदिर सर में हजारों श्रद्धालु पहुंच गए। मंदिर में श्रद्धालुओं की क्षमता से कई गुना अधिक लोग होने के कारण भीड़ का दबाव बढ़ गया। इसी दौरान मंदिर के गेट नंबर 1 और 4 पर भीड़ के दबाव के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में नोएडा सेक्टर 99 निवासी महिला निर्मला देवी, पत्नी देव प्रकाश और रुक्मिणी बिहार कॉलोनी निवासी और मूल निवासी जबलपुर के राम प्रसाद विश्वकर्मा वर्ष 65 की मौत हो। परिजनों ने शवों को पोस्टमार्टम नहीं कराया। परिजन शनिवार की सुबह शवों को लेकर घर चले गए। मंदिर में जिस समय हादसा हुआ उस समय डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। हादसा होते ही पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों ने बेहोश हो रहे श्रद्धालुओं को मंदिर से निकालना शुरू किया। घायलों को वृंदावन के रामकृष्ण मिशन, ब्रज हेल्थ केयर और सोशाया अस्पताल भेजा गया। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के चचेरे भाई उदयंगा वीरातुंगा ने कहा है कि गोटाबाया राजपक्षे 24 अगस्त को श्रीलंका लौट सकते हैं। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में संतुलन पैदा कर रहा है जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। खबर है कि आतंकवादियों ने राजधानी मोगादिशु स्थित एक होटल को निशाना बनाया है। हमले में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को खत्म करने का तरीका खोज लेने का दावा किया है। तो उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए परेशानी भरी खबर है। अटकलें लगाई जा रही है कि हु चुनहुआ को अगला प्रीमियर चुना जा सकता है और वे शी जिनपिंग के खेमे में नहीं है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अगले सप्ताह वापस श्रीलंका लौटेंगे। उनके चचेरे भाई उदयंगा वीरांतुगा ने कहा कि गोटाबाया राजपक्षे 24 अगस्त को श्रीलंका लौटेंगे। बता दें कि आर्थिक संकट को लेकर एक महीने से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए थे। राजपक्षे फिलहाल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक होटल में ठहरे हुए हैं, जहां पुलिस ने उन्हें सुरक्षा कारणों से घर के अंदर रहने की सलाह दी है। राजपक्षे दूसरे देश में स्थायी शरण लेने से पहले अस्थायी प्रवास के लिए 11 अगस्त को सिंगापुर से एक विशेष उड़ान से थाईलैंड पहुंचे थे। वह उसी दिन बैंकॉक पहुंचे जिस दिन सिंगापुर में उनका वीजा समाप्त हो गया था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने इससे एक दिन पहले पुष्टि की थी कि थाईलैंड सरकार ने राजपक्षे के देश में अस्थायी रूप से रहने पर सम्मति जता दी है और इस दौरान राजपक्षे किसी तीसरे देश में स्थायी शरण मिलने की संभावनाएं तलाशेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने मानवीय आधार पर राजपक्षे को थाईलैंड यात्रा की अनुमति दी थी और कहा था कि उन्होंने किसी अन्य देश में स्थायी शरण की अपनी तलाश के दौरान इस देश में राजनीतिक गतिविधियां नहीं चलाने का वादा किया है। जुलाई में श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच देश छोड़ने के बाद वह सिंगापुर गए थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे शांति और स्थिरता को खतरा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने उन चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ साझा किया है और इन मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र में संबंधित मंचों पर भी उठाया है। पिछले दिनों रूस ने भारत से वादा किया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद भी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई पर कोई आंच नहीं आएगी। साल 2023 के अंत तक भारत को इस सिस्टम की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे ताकतवर हथियार करार दिया जा रहा है। दिसंबर 2021 में इस सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत आ गई थी। सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, इसके लिए 400 वायु सैनिकों को मॉस्को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। भारतीय वायुसेना को बस एक ही रेजिमेंट मिली है। इस शक्तिशाली सिस्टम को पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया जा चुका है। हवाई और समुद्री रास्ते से इस सिस्टम के उपकरण रूस से भारत आए थे। ये सिस्टम लो लेवल पर दुश्मन के टारगेट को तो तबाह कर ही सकता है, साथ ही हाई लेवल पर भी दुश्मन बच नहीं सकता। इसके अलावा ये एक साथ कई मिसाइलों का ऐसा घेरा बना लेता है जिसे बचकर टारगेट का निकलना बहुत मुश्किल है। पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। खबर है कि आतंकवादियों ने राजधानी मोगादिशु स्थित एक होटल को निशाना बनाया है। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन सफल रहा। सुरक्षा बलों ने होटल को आतंकियों के कब्जे से आजाद कर लिया है। फिलहाल होटल की तलाशी जारी है। खबर है कि हमले में कुल 15 लोगों की मौत हुई है, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। समुद्र किनारे मौजूद रहे होटल के बड़े हिस्से को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। अलकायदा से जुड़े अल शबाब के आतंकियों ने गोलीबारी से पहले 2 कार धमाकों को अंजाम दिया था। एक होटल के बैरियर के पास लगा और इसके बाद एक धमाका होटल के गेट पर हुआ। सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच भीषण गोलीबारी होती रही। बता दें कि हयात मोगादिशु के लोकप्रिय इलाकों में से एक है। यहाँ कई होटल मौजूद है जिससे सरकार के बड़े अधिकारियों और आम नागरिकों का आना जाना रहता है। कहा जा रहा है कि हमले के वक्त होटल में सरकारी बैठक चल रही थी। खबर है कि आतंकवादी हमले के बीच स्पेशल पुलिस यूनिट ने दर्जनों लोगों को बचा लिया है। इसमें होटल का स्टाफ और कुछ मेहमान शामिल है। सोमालिया में अलशबाब बीते कई सालों से सरकार के खिलाफ सक्रिय है। इस आतंकी संगठन का सोमालिया के दक्षिण और मध्य क्षेत्र में खासा नियंत्रण है। इस आतंकी हमले ने मुंबई में हुए हमले की याद दिला दी है। ठीक उसी तर्ज पर आतंकियों ने यहाँ योजना के अनुसार हमला किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ इंसानों की जंग में भले ही दर्जनों वैक्सीन बन चुके हैं और लाखों इंसानों की जान बच रही है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस को खत्म करने के तरीके का इलाज नहीं हुआ है। लेकिन अब भारतीय मूल वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के कमजोर नस को खोज लिया है, लिहाजा अब कोरोना वायरस को ही खत्म किया जा सकता है। कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानों को मिली ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी अब उन दवाओं का काफी आसानी से निर्माण किया जा सकता है जिसे खाने के बाद इंसानों के शरीर में मौजूद कोरोना का वायरस खत्म हो जाएगा और इंसान इस जानलेवा वायरस से बच जाएंगे। रिसर्चर्स ने कहा है कि अब एंटीबॉडी के जरिए सीधे कोरोना वायरस के कमजोर स्पॉट को हम निशाना बना सकते हैं और उसे फौरन खत्म कर सकते हैं। सभी प्रकार के वेरिएंट्स पर यह प्रभावी होगा। एक स्टडी के मुताबिक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का उपयोग वायरस के स्पाइक प्रोटीन के कमजोर स्थान को खोजने के लिए किया गया। इसमें वायरस को परमाणु
नैनोस्तर की संरचना को खोजा गया जो खुद को इंसानों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडी से खुद को जोड़ लेता है। बता दें कि संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे शरीर द्वारा स्वाभाविक रूप से एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उसे एक प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है और रोगियों को उपचार के रूप में प्रशासित किया जा सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPC की अहम मसलों पर चर्चा के लिए राजधानी बीजिंग से सटे इलाके बिदाए में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में जिस नाम पर सबसे अधिक चर्चा हुई वह थे हु चुन हुआ। ऐसी अटकलें लगाई जा सकती है कि अक्टूबर की पार्टी कांग्रेस में हु चुन हुआ को अगला प्रीमियर चुना जा सकता है। मौजूदा प्रीमियर ली केचियांग घोषणा कर चुके हैं कि पार्टी कांग्रेस के बाद वे पद पर नहीं रहेंगे। हु चुन हुआ के बारे में माना जाता है कि वे शी जिनपिंग के खेमे में नहीं है, इसलिए अगर उन्हें प्रीमियर चुना गया तो इसे शी के लिए एक झटका समझा जाएगा। ऐसा दावा किया जाता है कि शी जिनपिंग ने अपने इस विरोधी ग्रुप अलंग थलंग कर रखा है। हु चुन हुआ पार्टी की 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के सदस्य है। पार्टी के भीतर उन्हें कुशल व्यवहारिक प्रशासक के रूप में देखा जाता है। पार्टी में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। हु चुन हुआ को आर्थिक नियोजन में उन्हें माहिर समझा जाता है। ऐसे वक्त में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, हु चुन हुआ का दावा यहाँ मौजूद देखा जाता है। गौरतलब है कि शी जिनपिंग 2012 में पार्टी के नेता के रूप में पदभार ग्रहण किए जाने के बाद कम्युनिस्ट यूथ लीग से आए सदस्यों से दूरी बनाकर चलते रहे हैं। हु चुन हुआ अभी 59 साल के हैं। यदि वे कुलीन पोलित ब्यूरो के स्थायी समिति के सदस्य बनने में सफल होते हैं तो उन्हें 2027 में शी जिनपिंग के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए VKB News। नमस्कार।